तो हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आज एक फेस चेंजर जिसकी वायरिंग समझाएंगे आपको पूरी करके। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या क्या हमने सामान मार्केट से ख़रीदा है। ये देखिए दोस्तों, ये वायर है और ये एक सर्किट है, इसे रखते थे साइड में। और ये स्ट्रिप है चार पोल की, और दोस्तों ये टू पोल की स्ट्रिप है। और ये 2/12/012 है, ये देखिए। और ये दोस्तों रिले है जो कि 60 एम्पीयर की है, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रिले है ये। तो जो 60 एम्पीयर का चेंज ओवर बनाएंगे, जो फेस चेंज करेगा, तो चलिए। और ये इसके कुछ नट बोल्ट है और ये इसकी बॉडी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं स्क्रू को। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारी बॉडी है, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर करनी है रिले फिट, जो कि 60 एम्पीयर रिले है। ये देखिए, और ये 12/012 हमें ऐसे लगाना है। एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपकी घर के लिए फेस चेंजर बना के दिखाऊंगा मैं, जो कि ऑटोमेटिक फेस चेंजर है। ये देखिए, इसे इस तरीके से फिट कर लेना है। अच्छे से देखो दोस्तों, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमने ऐसे कर लिया है फिट। अब हमें लगानी है इसकी स्ट्रिप, जो कि यहाँ पे लगेगी और एक इधर लगेगी। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए स्ट्रिप को फिट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो देखिए मेरे भाइयों, हमने इसकी स्ट्रिप लगा ली है। अब हम आपको इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे कैसे करनी है। तो मेरे भाइयों ध्यान रखें, जब ये 60 एम्पीयर डबल पोल की रिले है, तो इसकी ये जो साइड होती है, ये चलती है, ये लोड होता है हमारा, आउटपुट होती है, यहाँ को आउटपुट निकलती। और ये ऊपर वाला होता है एक फेस, और नीचे वाला होता है इसका दूसरा फेस। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसके लोड के कनेक्शन करते हैं, जो कि यहाँ पर होंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। ये हमने इसके कनेक्शन करने हैं 6 mm वायर से, जो कि यहाँ से उठा के हमें यहाँ पर लगाने हैं इस वाली स्ट्रिप पर। ये लोड की स्ट्रिप पर कनेक्शन करने हैं, तो मैं एक कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा। ओके दोस्तों, ये हमने कफ लिया है, तो वायर को निकाल लेंगे ताकि इसके हिसाब से कट कर सकें। देखिए, तो हम इसे कट करते हैं यहाँ से। यहाँ से इसे कट करने के बाद हम इसको यहाँ से छील कर इसे फोल्ड करके लगाते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी मजबूती आती है। अब हम इसको इधर लगाना है स्ट्रिप में। देखिए दोस्तों, मैंने इसको खींच दिया है। तो ऐसे ही अब हमें एक तार यहाँ से यहाँ पे लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसके वायर निकाल लेते हैं, ताकि हमें बॉडी में फिट कर बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके अंदर हम टाइट नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले वायर निकाल के बाहर लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे स्ट्रिपों में सबको। तो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। तो पहले अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं।
रिले को। पहले हम इसमें सब में एक एक करके वायर लगाएंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह आपके बहुत काम आने वाली है वीडियो। आपको चेंज ओवर के कनेक्शन भी पता चल जाएंगे कि फेस चेंजर के कनेक्शन कैसे होते हैं, और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं मार्केट से सामान ला के बड़े आसानी से के साथ। देखिए तो मेरे भाइयों, हमने ये वाला भी वायर लगा लिया है जो कि अभी आउटपुट के ही कनेक्शन चल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा हम इसमें स्पेस छोड़ेंगे और इसे थोड़ा बढ़ाकर वायर को यहाँ से काट देंगे। तो चलिए हम इसे बाद में जोड़ेंगे तारों, पहले ऊपर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ऊपर के कनेक्शन करने पर हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलईडी भी लगेगी, दो एलईडी लगेगी यहाँ पर, तो इनके कनेक्शन करने हैं हमें अभी, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो हमें कुछ वायर ले लेनी है एलईडी के लिए, तो इसे भी इसी के साथ में लगाना है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लगेगी, तो इसे मैं रिले को निकाल लेता हूँ बाहर ताकि आसानी हो लगाने में। ये निकाल लिया रिले को हमने बाहर। दोस्तों देखिए, अब हम इसे रख कर देखेंगे ये प्रॉपर फिट आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए, ये वायर इधर अलग चली गई और ये वायर दूसरी वाली इधर अलग चली गई। मैं आपको अभी बताऊंगा सही से। तो पहले इस वायर को निकाल लेते हैं हम। दोस्तों हमें थोड़ी सी वायर लूज छोड़नी है उसके हिसाब से। अब हमें कर देना है इसे कट। देखिए अब हमें दूसरे वाले कनेक्शन करने हैं। तो गौर से देखिए दोस्तों, अब ये एलईडी का एक तार इस साइड पे लगेगा ताकि जब एक फेस में लाइट आए तो उसकी लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाए, वो मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमने दूसरे फेस के भी कनेक्शन कर लिए हैं दूसरी वाली तरफ। तो चलिए, हम इसे भी कट कर देते हैं। अब दूसरे फेस के, पहले फेस के कनेक्शन हमने कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इसके भी ऐसे ही करने हैं। तो इस फेस की इंडिकेशन के लिए, लाइट के लिए पता चले, तो इसके लिए भी हम ले लेंगे एलईडी।
तो चलिए हमने ये भी कर लिया टाइट, इसको भी लगा लिया। अभी से लगा के इसका साइज़ लेते हैं कि कितनी वायर हमें लेनी है। देखिए दोस्तों, अब इस हमें दूसरी वायर लगानी है। इसमें भी एक तार ले लेना है हमें इंडिकेटर के लिए। देखिए दोस्तों, हमने भी ये प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है। तो चलिए हम रिले इंस्टॉल करते हैं बॉडी के अंदर। अब देखिए ये नीचे वाला एक फेस है जो कि एक साइड में को निकलेगा, एक फेस एक साइड में और एक फेस एक साइड में निकलेंगे। एक फेस ये आ गया है। देखिए इसके दोनों वायर, ये अभी नहीं लगाए हमने, ये दोनों वायर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसे रिले को इसके अंदर स्क्रू से टाइट कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार, ये हिल हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने इसके प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर ली है और रिले को भी कर दिया है फिट। अब हम आपको समझाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, ये हमारा लोड की स्ट्रिप है, ये वाली जो है इसमें से हम आउटपुट लेंगे। तो ये देखिए, एक तार यहाँ से उठाया हमने और यहाँ पे लगाया उल्ली तरफ, और एक तार यहाँ से जो उठाया ये वाला और ये इधर पे लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, तो अब देखिए ये ऊपर का एक फेस होता है जो हमारे केबल जो फेस लाइन होती है, ऊपर से दो तार आएंगे वो यहाँ पे लगेंगे। तो इसके हमने दोनों वायर निकाल के नीचे से वो यहाँ पे ले आए हम। ये देखिए, ये इधर की जो दोनों वायर हैं एक फेस की है, और ये जो नीचे वाला है ये एक फेस की दोनों वायरें निकाल के हमने यहाँ पे निकाली। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर फिट करते हैं इसमें स्ट्रिप में वायर। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है इसमें। हमने बस तो चलिए ये वाली वायर भी हम इसे यहाँ को लगा लेंगे, जो कि ये भी लग गई। ये वाली वायर भी हमें ऐसे ही लगानी है दोस्तों स्ट्रिप के अंदर को। और हमें ये वाला वायर भी ऐसे ही लगाना है दोस्तों। वीडियो को जरा सब स्किप नहीं करें, नहीं तो कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, हमने कर लिए सारे कनेक्शन टाइट। जो कि हमारा नीचे वाला फेस है वो इधर आ गया, और ऊपर वाला फेस जो है वो हमारा इधर आ गया। यानी कि एक फेस के तार इस दो में लगेंगे, एक फेस के इसमें, और इसमें से हम आउटपुट लेंगे। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एक फेस हमने यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, और एक यहाँ से देखिए बिल्कुल यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया, दूसरा फेस यहाँ से यहाँ को आ गया दो तार, और यहाँ को, और इनके साथ हमने इंडिकेटर के जोड़ दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे आपको, जो कि आधी से ज़्यादा वायरिंग तो हो गई हमें। अब हमें सोल्डरिंग वाला काम करना है, तो ध्यान से देखें वीडियो को। तो सबसे पहले अब हम इस पे हेड को ले लेते हैं सामने वाले को। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें दो LED इंस्टॉल करते हैं, साइड में कर देता हूँ। तो ये भी हो गई। अब ये देखिए LED का कनेक्शन समझाता हूँ आपको। हमें दो LED ले लेनी है। ये देखिए
दो एलईडी लेनी है, और ये लेनी है 100K की रेजिस्टेंट जो इंडिकेटर पे लगती है। हमें इंडिकेटर ही एलईडी पे रेजिस्टेंट लगानी है 100K की, नहीं तो अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये उड़ जाएगी दोस्तों, एक सेकंड भी नहीं रुक पाएगी क्योंकि बहुत कम वोल्ट की होती है, जिसके लिए हमें रेजिस्टेंट लगानी पड़ती है। आपने इंडिकेटर पे देखा होगा दोस्तों, इंडिकेटर पे भी रेजिस्टेंट आती है। देखिए इसके प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो चुके हैं, अब हमें इसे स्टार कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी इसमें एलईडी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से एक लाइन ये थी हमारी, जिससे पता लगेगा हमें कि नीचे वाले फेस में लाइट आ रही है और ऊपर वाले में भी। तो उससे पहले दोस्तों आपको अपन ऐसे लेनी है स्लिप ले लेनी है, और इसके साइज से नाप कर इसको कट करना है। अब हमें इसे सोल्ड करना है। सोल्ड करने के बाद हमें इस पे स्लिप चढ़ा देनी है ताकि करंट का कोई इशू ना रहे। देखिए दोस्तों, एक कवर्ड हो चुकी है हमारी इंडिकेटर, दूसरा लेना है, दूसरे को ठीक इसी तरीके से करना है। एक एक चीज़ बारीकी से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको, या आप मैकेनिक होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, आपको पता होगा, भाइयों को मेरा पता होगा, बाज को नहीं पता होगा कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि सबको एक जैसी नॉलेज नहीं रहती, तो उनको भी नॉलेज हो जाएगी कि चेंजर के कनेक्शन कैसे होते हैं, फेस चेंजर के कनेक्शन। तो चलिए, ये जो बना रहे हैं हम दोस्तों, ये फेस के लिए काम करने के लिए बना रहे हैं फेस चेंजर, वैसे ये जनरेटर पे भी काम करता है, वाइल ज़्यादातर जनरेटर पे काम करता है, जनरेटर से लाइन का फेस चेंज करने के लिए, लेकिन हम इसे जो बना रहे हैं वो लाइट पे ही काम करने के लिए बना रहे हैं, ताकि केवल लाइट पर ही वर्क कर पाए। बहुत सावधानी से हमें इस पर स्लिप चढ़ानी है ताकि किसी भी तरीके से करंट का इशू ना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक
लाइन के लग चुके हैं, ये देखिए इंडिकेटर, और एक दूसरी लाइन का लग चुका है इंडिकेटर। तो चलिए हम इसे बॉडी में बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले हम आपको 90 के कनेक्शन सिखा दें। तो 90 के ये है देखिए, वो सॉरी 12 जीरो है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये 12 है, हमें सबसे पहले इसमें स्लिप ले लेनी है। हमें इस साइड का तार लिया है हमने, जैसे इसे सीरीज में लगाना है हमें, आपको पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता लग जाएगा। कि देखिए दोस्तों, इधर की साइड लेनी है जैसे हमें इस 12 की, तो दूसरे साइड में भी इधर का ही वायर लेना है। ये देखिए वही ना आपस में, जॉइंट कर देना है और अच्छे से सोल्ड कर देना है, ताकि लूजिंग का कोई इशू ना रहे। देखिए दोस्तों, मैंने तारों को इसके बीच में फंसा देना है। इसी तरीके से जैसे कि हमने एसी तार इधर के लिए, उसी तरीके से हमें डीसी के भी ऐसे ही लेने हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे 4 तार डीसी के, ये देखिए दोस्तों डीसी के भी वायर हैं, चार वायर हैं। तो जैसे कि हमने इधर का लिया, इसका भी इधर का लेना है। लेने के बाद क्लिप डाल के इसे भी अच्छे से सोल्ड कर देना है। और इन्हें इसके बीच में को लगा देना है, फंसा देना है, ये रुक जाते हैं यहीं पे। अब बचे हमारे ये 4 वायर। देखिए दोस्तों, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी रिले के कनेक्शन करने की, तो ये वायर ले लिया है हमने रिले के कनेक्शन के लिए। ये देखिए रिले के डीसी जो कनेक्शन होते हैं, उधर इसको सोल्ड कर देना है, अच्छे से सोल्ड करना है दोस्तों, मजबूती के साथ। इंडिकेटर के वायर हटा लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए, और ये हो गया है हमारा सोल्ड। तो अब हमें एक सर्किट लेना है जो कि कट सर्किट है, तो इसकी काफ़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, केसेस फिट कहाँ को करें। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पे फिट करूँगा, तो चलिए मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए सर्किट में आपने सर्किट लिया है, तो इस पर लिखा रहता है TT यानी कि ट्रांसफार्मर और RR रिले। देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी लिखा हुआ है, तो ये रिले के तारे हम RR पे लगाएंगे। इस सर्किट में बहुत आसानी होती है, दिख गया दोस्तों। अब हमें ट्रांसफार्मर के भी वायर लेने हैं यहीं से। तो देखिए दोस्तों, हमने फिट कर लिया है, अब हमें एक तार डायरेक्ट उठा के सर्किट पर लेना है, जो कि यहाँ पे लगेगा ट्रांसफार्मर का। तो देखिए दोस्तों, ये वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हम इसे बड़ा कर लेंगे।
ये देखिए, अब हम इस वायर को भी सोल्ड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, ट्रांसफार्म वाले ऑप्शन पे टी पे लगा देंगे इसे भी। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हमने इसके अंदर एक स्विच भी लगाया है, जो कि हम अपनी मर्जी से फेस चेंज कर सकते हैं बस स्विच को दबाकर कि हमें कौन सा फेस चलाना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसमें से एक वायर निकालनी पड़ेगी। तो ये रही स्विच के लिए दोस्तों, जो कि ट्रांसफार्मर है हमारा, जो कि दूसरा तार लगता है डायरेक्ट काम करता है, उसे हमें स्विच से कट करना पड़ेगा, बीच में स्विच लगाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा वायर लगाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का। चलिए हम इसे भी कर लेते हैं सोल्ड। ये देखिए दोस्तों, दो तार रिले के हमने सर्किट पे से लिए, इस पे लिखा हुआ रहता है रिले RR, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और डायरेक्ट रिले पे चले गए। अब जो ट्रांसफार्मर के दो तार लगते हैं डायरेक्ट, ये हमने एक तार डायरेक्ट लगाया टी पे, ये देखिए, और दूसरा तार हमने ये लगाया, और ये स्विच से कर देंगे हम दूसरा ट्रांसफार्मर का तार। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान कनेक्शन है इसके, हम इसे कर लेते हैं फिट, उसके बाद बात करेंगे आगे की कार्रवाई। इसे कर लेते हैं सर्किट को इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट। ताकि बॉडी से ऊपर ही रहे हमारा सर्किट। और हमने सर्किट भी फिट कर दिया है। हम ये वायर नीचे को निकाल लेंगे। स्विच के लिए ये आ गई हमारी स्विच पे जाने वाले वायर। अब मेन चीज़ देखिए दोस्तों, अब हमें ये किस फेस पे ऑपरेट करनी है, उस पर हमें 12-0 के, अब हमें ये नीचे वाला फेस यूज़ करना है स्विच से, जब हम स्विच को नीचे को दबाएं तो दूसरा फेस ऑपरेट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक तार लेना है, और ये यहाँ पे सोल्ड कर देना है इसका एसी का तार 12-0-12 की। दूसरे वायर को इधर सोल्ड कर देना है, जहाँ भी लगाने हैं हमें। हमेशा याद रखे रिले की नीचे को जब ये कट करती है, ये देखिए नीचे तरफ को जो खींचती है, वहीं पे 12-0 के तार लगाने हैं हमें, और कहीं नहीं लगाने दोस्तों। चलिए अब हम इसके डेल के भी कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच के तार ट्रांसफार्मर के डीसी में से कट होकर लगेंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, देखिए। अब हम इसके एलईडी के भी वायर लगा देंगे, ये देखिए। ऊपर वाली एलईडी ऊपर लगानी है डेल पे, सॉरी इसकी रबड़ निकल गई। और नीचे वाली एलईडी के तार नीचे लगाने हैं, ये देखिए इसके कनेक्शन हो चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर।
देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से हमने इसकी वायरिंग कर दी है और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। ये देखिए, सर्किट को भी हमने साइड में रख दिया है। तो सारे वायर प्रॉपर तरीके से कर देते हैं अंदर। तो देखिए, ये हमारा बनकर हो चुका है तैयार, फेस चेंजर बनके तैयार हो चुका है। हम करते हैं इसको टेस्ट। तो सबसे पहले हमें लोड में लगाना है एक बल्ब, ताकि हमें पता लगे कि लोड आउटपुट कर रहा है या नहीं। हम लोड में लगा लेते हैं। तो देखिए, हमारा लोड भी लगकर हो चुका है तैयार। अब हमें एक लेनी है वायर। ये लो, ये आ गई हमारी वायर, सीरीज वायर। अब हम इसे करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका दूसरा फेस चेक करेंगे, पहला फेस चेक करेंगे। ये देखिए, एक फेस इसका काम कर रहा है। देखिए दूसरा फेस जो कि काम नहीं कर रहा है अभी, ये स्विच दबाएंगे हम। तो ये देखिए, इसमें आवाज़ भी हो रही है एक रिले की ऑपरेट होने की। ये देखिए, दोस्तों हम इसे एक फेस तो हम अपना यहाँ पे लगा लेंगे जो कि लाइन चल रही है, और दूसरे फेस के तार यहाँ लगा लेंगे। अब हमें कोई इनमें से एक फेस चलाना है, तो एक फेस तो इसमें डायरेक्ट चलेगा दोस्तों, ये वाला। और ये वाला फेस चलाने के लिए हमें स्विच की मदद लेनी पड़ेगी। स्विच दबाएंगे, हमारा दूसरा फेस चल जाएगा। तो इससे आपकी बिजली की बचत भी हो सकती है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।